नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस सस्ते रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैथ के 6 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनको हम बिल्कुल आसानी से आपको ट्रिक से हल करना सिखाएंगे। इसलिए आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या कीजिए। देखिए ये आपके क्या बोला, 28 के जितने भी 28 के धनात्मक गुणनखंड है उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य क्या होता है, आप लोग जो बताए समांतर माध्य वही होता है। देखिए 28 के बोला है मतलब कि क्या है आपका, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसको निकालेंगे कैसे, आप देखिए 28 के धनात्मक गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है मतलब आपके धनात्मक गुणनखंड होते क्या है, धनात्मक गुणनखंड वह होते हैं जो मतलब आपको 28 से पूरा पूरा विभाजित करें। देखिए 1 से 28 विभाजित हो जाएगा, उसके बाद आप क्या हो गया 2 से हो सकता है, उसके बाद कितने से हो सकता है आप देखिए 4 से हो सकता है, फिर उसके बाद देखिए 6 से नहीं होगा, फिर ये आपका 7 से होगा, फिर आपका 7, 8, 9, 10, 11 किसी से नहीं होगा, उसके बाद आपका ये देखा जाए सीधे 14 से होगा, फिर उसके बाद आपका कितने से होगा 28 से होगा। मतलब ये इस 28 जो है इन संख्याओं से विभाजित होगा। अब आपको क्या करना है, टोटल देखना संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको 6 से भाग कर देना है। अब आप इसको जोड़ेंगे, आप इसको जोड़िए कितना होगा, 2, 1, 2, 3 और 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 और 14 कितना हो गया 28, और 28 कितना हो गया आपका ये 56 हो गया। 56 आपका 6 से डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 6, 9 कितना हो जाएगा 54, 9 बार जाएगा, देखिए 9 किसी में है आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 9.33। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको पूरा भी हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के हमारे सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, जो कि ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है, तो आप लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप लोग इसको पहले ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो क्या है, क्वेश्चन में एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं, जिनमें से 40, 50 तथा 60 छात्र दाखिल हैं। इन कक्षाओं का पास प्रतिशत क्रमशः 10, 20 तथा 35 है। स्कूल की पास प्रतिशतता निकालनी है, आप स्कूल में कितने स्टूडेंट पास होते हैं उसकी क्या निकालनी है, आप लोगों को प्रतिशतता निकालनी है। देखिए इसका कैसे निकलेगा, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे जो क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझना, देखिए क्या बोला है आपका 40 और क्या बोला 50 और आपको क्या दिया हुआ 60, 40, 50, 60 ऐसे लिख लीजिए इसको। उसके बाद क्या बोला है, ये पास जो पास प्रतिशतता कितनी है, क्रमशः जो है इसकी कितनी है 10% है। देखो 40 का 10%, आप देखिए 40 का 10% कैसे निकालेंगे आप लोग, 40 का 10% 2 0 0 कट जाएगा आपका 4 आ जाएगा। देखिए निकालना बता रहा हूँ आप लोग, 1 का बता रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। जैसे 40 का 10% निकालने का है तो 40 × 10 करेंगे आपका 100 हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी 100 लिखे या ना लिखे, लेकिन अगर 2 0% पूछे तो हमेशा 2 0 पड़ता है, तो आपका 40 का 10% कितना हो गया 4, और इसका कितना है आपका, इसका निकालेंगे 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, अगर देखें इसका 20% कितना हो जाएगा, 2 0 0 कट जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर आप इसको निकालें इसका कितना है 35%, 60 का 35% निकालिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 56, देखिए आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप देखें इसका कितना हो जाएगा 35 ही हो जाएगा, इसका 21 होगा, कितना होगा 21 होगा। देखिए 60 का 35% आप लोग निकालिए, 60 का 35% निकालेंगे तो क्या होगा 1 0 0 कट जाएगा, आप इसको 2 3 6 कितना हो जाएगा 2 5 10 5 7 35 7 3 21, मतलब ये कितना हो गया आपका 21 हो गया। तो मतलब ये आ गया पास होने की जो प्रतिशतता थी, कितने बच्चे पास हुए, क्या बोला स्कूल की पास प्रतिशतता निकालनी है। तो देखिए निकलेगा कैसे, आप जितने कितने बच्चे पास हुए आप इनको टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 14 21, कितना हो जाएगा आपका ये 35 हो जाएगा, कितने पास हुए हैं 35, और टोटल कितने स्टूडेंट है आपका 40, 50 और 60, ये कितने हैं आपके 150 है, मतलब 150 है, इसका क्या निकालना है प्रतिशतता निकालनी। तो आप इसको 100 से क्या करिए गुणा कर दीजिए, आप इसको काटेंगे तो इसको काटिए कितना हो जाएगा, अगर इसको काटें 5 7 35 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 70/3 आ जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी। अगर क्वेश्चन को समझ में आ रहा था
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका देखिए बहुत ही थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आप लोग हमेशा बताया था, जब भी वन लाइनर क्वेश्चन दिखे तो उसको आप लोग, उसमें ज्यादा गलती होने के भी चांसेस भी रहते हैं। उसमें ज्यादातर आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन में आप ज्यादातर लोग ट्रिक का यूज करें, क्योंकि उसमें एक सवाल मानेंगे काफी समय लगेगा। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। छह लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है, तो छह संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए छह संख्याओं का योग क्या होगा, मान लेते हैं उसका योग 72 है। कितना है? 72 है, उसका योग 72 है। तो देखिए छह संख्याएं हैं, ध्यान समझिए, छह संख्याएं हैं वो विषम संख्या है और उनका योग मान लिया 72 है, तो उनका औसत क्या होगा? 6 से भाग कर देंगे, 12 × 72, तो मतलब वो संख्या के 12 आगे बीच की। अब देखिए क्या बोला है, विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। देखिए जो आपका योग है, ध्यान समझिएगा, जो आपका योग है वो सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या में पहले पता करनी है, ये 12 हो गया बीच में, तो आपके 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, क्योंकि माध्य जो होता है आपका, जो समांतर माध्य निकलता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। तो देखिए इसके पीछे क्या हो जाएंगे, इधर 11 हो जाएंगे, इधर 9 हो जाएंगे और आपके क्या हो जाएंगे, 7, क्योंकि विषम बोला है। तो इधर कितने हो जाएंगे आपके, इधर देखा जाए तो 13 हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे आपके, देखे तो 15 हो जाएंगे और कितने, 17 हो जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये 17 है आपका। छह लगातार विषम संख्याओं का योग, देखिए योग हमको पता हो गया कि मान लिया 72 है और उनका कितना, उनका हम समांतर माध्य निकाल 12 आ गया, तो क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 72 है, 72 का दोगुना करेंगे कितना होगा, 74। मतलब सब जो आपका ये योग है, ये आपका योग है सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 17 है, इसके दोगुने से 38 अधिक है, तो क्या इसको देखेंगे, 72 माइनस 17 दुना 34, तो इसको घटाएंगे कितना, 12 में से 4 की 8, यहाँ देखिए आपको घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ आपको बचेगा कितना, 6 में से 3 गई 38, मतलब आपका ये 38 अधिक है, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और लेकिन इसको आपको आसानी से समझना चाहिए था ट्रिक से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। देखिए ऐसे टाइप के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को मैथ हो या रीजनिंग, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक छात्र के अंक 95 के बजाय 105 लिख देने पर औसत में 1/5 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 1/5 की वृद्धि हो गई, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिए एक छात्र जो था उसका पहले कितना था आपका, जो ये मतलब 95 था, 95 के बजाय कितना लिख दिया गया, 105 लिख दिया गया, 105 लिख देने से औसत में 1/5 की वृद्धि हो गई। औसत में का डिफरेंट कितने का है, हमने बताया था हमेशा अंतर, अंतर कितने का है आपका, यहाँ पर देखें 10 का अंतर है, तो 1/5 की वृद्धि हो गई, तो छात्रों की संख्या कितनी है, 1/5 की वृद्धि क्या हो गई। अब आपको क्या करना है, 10 को 1/5 से आपका जो है भाग कर देना है। अगर 10 को आप देखेंगे 1/5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, आप इसको हल करेंगे, देखिए ये आपका मेन बटा यही है, मेन आपका जो बटा है यही है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 के नीचे कोई नहीं, तो एक आपका 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 10×5 50, मतलब कितना हो जाएगा, 50। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50, 50, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के रेगुलर आपको वीडियो पाने के लिए आसानी से ट्रिक से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे। चलिए आज के हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप सेकंडों में हल कर सकते हैं, बस आपको वो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए सितंबर जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए रुपए 720 को एबीसीडी में विभाजित किया जाता है तथा इनका बंटवारा बढ़ते हुए समांतर क्रम में किया जाता है, तथा ई को क्या है आपका, ई को ए से 40 रुपए अधिक दिया जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। मतलब ई को जो है ए से 40 रुपए अधिक दिया जाता है, बी का हिस्सा ज्ञात करें। और ये भी सोच के समझ चलिएगा क्वेश्चन में क्या बोला, समांतर क्रम में। तो देखिए आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया। क्या बोला है, ई को ए से 40 रुपए अधिक दिया जाता है, तो हमको ए को पता नहीं है, तो ए को मान लेते पी है, इसको 40 रुपए अधिक देते हैं, इसका हो जाएगा 40। ध्यान समझिएगा, क्योंकि ई को जो ए से 40 रुपए अधिक दिए जाते हैं, ए आपका पी है, तो इसका 40 रुपए अधिक, इसका पी प्लस 40 हो गया। और समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होंगे, जब उनका डिफरेंस सेम होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, पी प्लस 30 हो जाएगा, ये आपका पी प्लस 20 हो जाएगा,
और ये आपका पी प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर देखिए आप समांतर क्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, समांतर क्रम में किया जाता है। देखिए पी मासे, अगर पी प्लस 10 मासे आपको, देखिए समांतर माध्य क्या होता है आपका, अगर पढ़ेंगे डी टू माइनस डी वन जो होता है, मतलब अगली संख्या जो रहती है उसे पिछली वाली संख्या से घटाई जाती है, सेम डिफरेंट आता है। अगर बी से ए को घटाएंगे तो 10 आएगा, सी से बी को घटाएंगे तब 10 आएगा, डी से ई को घटाएंगे तब 10 आएगा, ई को डी से घटाएंगे तो तब भी 10 आपका आएगा। तो मतलब सेम डिफरेंट है, तो आपका ये एक रूल फॉलो हो रहा है, समांतर क्रम में किया जाता है। और ई को ए से 40 रुपए अधिक दिया जाता है, देखिए इसे 40 रुपए अधिक है, तो बी का हिस्सा पूछा है। तो इसमें करेंगे क्या, पहले आप टोटल को जोड़िए, आप इन टोटल को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप इन टोटल को जो है प्लस कर लीजिए, तो आपका जोड़ेंगे 5p हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5p हो गया, और प्लस ये आपका 10 30 40 50, ये हो जाएगा आपका 100। और ये किसके बराबर दिया हुआ है आपका, 720 रुपए, कितना दिया हुआ है आपका, 720 रुपए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5p बराबर कितना हो जाएगा, ये देखें 5p बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, 620 उधर जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको 620 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 1 5 2 124 आ जाएगा। ये मतलब p का मान हमको पता हो गया, 124 आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए एकदम, बिल्कुल 124 आएगा। क्या पूछा, p का हिस्सा, तो p कितना है, p प्लस 10 है, p का मान आ गया, तो p प्लस 10 में आपका p की जगह कितना, 124 है, प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 134, 134, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अगर जिन लोगों को इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ जाता वो आसानी से कर लेते, आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था सितंबर में, क्योंकि यहाँ भी देखिए दो इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे थे, एक था आपका ए से 40 रुपए अधिक था, दूसरा आपका समांतर क्रम में था, तो दोनों सीरीज आपको बनानी थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए। देखिए इस टाइप को आपको सेकंडों में हल करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े। किसी आयत की लंबाई, सॉरी आपका किसी आयत की जो है चौड़ाई ए है तथा लंबाई बी है, चौड़ाई को या 20% कम कर दिया जाए तथा लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होता है, आयत का लंबाई चौड़ाई क्या होता है आपका, आयत का जो आयत का अगर देखा जाए तो आयत का क्या पूछा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, एरिया आपका आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को मैंने बताया, देखिए क्या बोला, पहले अगर मान लीजिए उसका क्या बोला, 20% कम कर दी गई, तो 100 में अगर 20% कम करेंगे कितना हो जाएगा, 80। अगर फिर उसका सेकंड क्या पूछा है आपका, जो लंबाई उसमें 10% बढ़ा दी गई, तो इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। बस मैंने बताया था इनको, इनका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग करेंगे क्या, कुछ आप लोगों को 100 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने जब भी बताया था परसेंट निकाले बोले 2 0 2 0 काट लीजिए, आप गुणा करिए, 11 8 88 हो गया। तो देखिए मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, अगर 100 से कम है तो कमी होगी, 100 से अगर कम है तो कमी होगी, 100 से अगर ज्यादा है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 100 से कम है, कितना कम है, 12, तो कितनी कमी हुई, 12% की। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ये आपका आरआरबी मेट्रो रेल जो एग्जाम हुआ था 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए आज के होमवर्क क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आज का होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने नहीं देखा हमारा पार्ट नंबर 49 देखेंगे, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए आरआरसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आज की क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर इसी तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।